कष्टों में भी आप कैसे रहे प्रसन्न, साथी परिवार में कैसे आए खुशियाँ, हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी कैसे मिले एक साथ। लक्ष्मी को पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के कौन से ऐसे सरल उपाय जिससे लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाए, क्योंकि लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं अधिकार है। यह सब आप जानेंगे गुरुदेव सुरेश रिमाली जी के सानिध्य में मुंबई की पावन धरा पर दीपावली के उपलक्ष में 7 अक्टूबर को आयोजित सिद्ध लक्ष्मी साधना शिविर में। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 02915190000, 9829026625, 9324272446। जन्म कुंडली विश्लेषण। जीवन में सबसे पहले इंसान की मुलाकात गर्भस्थ शिशु के रूप में अपनी माँ से होती है, इसीलिए माँ का आशीर्वाद मिले उतना कम है। माँ की ममता, माँ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आमतौर पर 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस दुनिया में आने से पहले और उसके बाद ताउम्र माँ उसके लिए सब कुछ करती रहती है जो उसकी बेहतरी के लिए होता है। बच्चे के प्रति त्याग और बलिदान के बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं। आज का मेरा जन्म कुंडली विश्लेषण तकरीबन 26 साल और 4 महीने 26 ईयर ओल्ड और प्लस 4 महीने के युवक पर आधारित है। बचपन से ही इसके बड़े बड़े सपने थे, जो हम सबको सपने देखने का अधिकार भी है और उसे पूरे करने के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए। वो ये बच्चा कर भी रहा था। माता पिता को इस बच्चे पर बड़ा गर्व था और वो इसे अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का ही फल मानते थे। उतार चढ़ाव का दूसरा नाम ही जिंदगी है, या यूं कहें कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। 8 अगस्त 2010 की वो मनहूस काली रात, रात को 8:16 पर एक भीषण एक्सीडेंट में इस नव युवक के सिर और शरीर में कुल 19 फ्रैक्चर हो जाते हैं। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि मैं ऑपरेशन को कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, किस ऑपरेशन को पहले करूं और किसे बाद में करूं। ये बच्चा इस एक्सीडेंट से कोमा में चला जाता है और शुरुआत होती है जिंदगी और मौत की जंग की। बात अगर माँ के जज्बे की हो तो भगवान भी एक बार तो घुटने टेक देते हैं। एक्सीडेंट के अगले दिन से ही माँ एक टाइम भोजन करती है। तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक देवी का मंदिर है, वहाँ पर बिना चप्पल पहने हुए और वो यात्रा करती है। शायद ही उनके त्याग के अंतर्गत एक आध दिन बड़े मुश्किल से हो जिस दिन वो नहीं गई हो। इसी त्याग और तपस्या से शायद माँ प्रसन्न हो गई और माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज वो बच्चा 70% से भी ज्यादा ठीक हो चुका है। अब वो बच्चा माँ का दिल इसलिए अब उसे कहीं भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता है। वो धीरे धीरे चल फिर सकता है, सब कुछ कर सकता है, दिमाग भी चलने लगा है। ज्यादा से ज्यादा वो अपने पिता के बिजनेस पर जाने की इजाजत देती है, अपने पति के बिजनेस के सेंटर तक। लेकिन इस बच्चे के बचपन का एक सपना था कि अमेरिका जाकर वो पढ़ाई करना चाहता था। अब वो बच्चा कहता है कि माँ मैं काफी हद तक स्वस्थ हूं, बस चलने फिरने में थोड़ी सी तकलीफ है, वो मैं ठीक अपने आप कर लूंगा। माँ कहती है कि मैं अमेरिका तो छोड़, इस शहर से बाहर तुझे नहीं जाने दूंगी। अब बच्चा बड़ा जिद कर रहा है, माँ बाप का भी मन पसीज रहा है। वो कहते हैं कि हमें तो बस दिन रात ये घबराहट रहेगी मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। अब अमेरिका भेजने में उनको ऐसा लगता है कि कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि अगर नहीं भेजते तो ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने बच्चे के सपनों की बलि चढ़ा रहे हैं। तो आइए 26 साल और 4 महीने के इस नव युवक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि क्या है इसके ग्रहों का खेल। इस वक्त ये जन्म कुंडली आपके सामने है। 3 नंबर से कुंडली शुरू होती है, मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक डिसिप्लिन काम करना सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं ऐसे लोग। लग्नेश बुध वो 10th हाउस में, जहां पर देखिए शुक्र और बुध विराजमान है 12 नंबर में। मीन राशि में बुध जाते ही नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और वहीं शुक्र उच्च राशि के मालव्य योग बना रहे हैं। इस वजह से आपके तरक्की में 4 चांद लगाने के लिए ये योग काफी है।
अब बुध जो नीच राशि के वो उच्च के शुक्र के साथ जाते नीच भंग राजयोग जैसा परिणाम दे रहे हैं, इसलिए अभी तक तो आपकी कुंडली में प्लस पॉइंट नजर आए। आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा पंचम स्थान और ट्वेल्थ हाउस की, जहां पर सात नंबर लिखे हैं, ट्वेल्थ हाउस में दो नंबर लिखे हुए हैं। फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, वो उच्च राशि के विराजमान होकर टेंथ हाउस में, यानी शिक्षा और विदेश यात्रा के घर, इन दोनों के लॉर्ड केंद्र में, और वो भी उच्च के विराजमान होकर कर्म स्थान में, यानी शिक्षा के लिए ये विदेश जाएगा और इसका कर्म अच्छा होगा। ये एक योग है जिस वजह से इसकी कुंडली में बाहर जाने के योग तो पूरे हैं। अब तकलीफ कहाँ है, क्योंकि गुरु और केतु की नवमी दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि भी टेंथ हाउस में। यहां देखिए, एजुकेशन के जो लॉर्ड होते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो केतु के साथ चांडाल दोष बना लेते हैं। इस चांडाल दोष की दृष्टि भी यहां पर है, और एट्थ हाउस में जहां शनि राहु का श्रापित दोष और पितृ दोष विष दोष है, उस शनि की भी दृष्टि टेंथ हाउस पर। यहां पर जो ये टेंथ हाउस पर जो दृष्टियां हैं पापी ग्रहों की, ये आपको बड़ा तकलीफ देंगे। लग्नेश नीच राशि के होने पर उसको जो दृष्टि डाल रहे हैं वो बड़ा एक वीक पॉइंट आपके लिए। अब यहां पर सिक्स हाउस की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि राहु शनि और विष दोष और ये सब है, इसकी भी बात हम करेंगे। सिक्स लॉर्ड जो कि रोग का होता है, एक्सीडेंट का होता है, सिक्स लॉर्ड मंगल ट्वेल्थ हाउस में नाश भाव में चले गए। ये एक्सीडेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, या दुर्योग माना जाता है, या फिर योग माना जाता है। अब मंगल की सिक्स हाउस पर दृष्टि खुद के घर पर होने की वजह से ये बच गए, लेकिन ट्वेल्थ हाउस सर का होता है, दिमाग का होता है, ब्रेन का होता है, उस पर मंगल विराजमान हो गए वो वृषभ राशि के, जिस वजह से बहुत सारे लोग, आप कभी भी किसी कुंडली उठा के देखिए जिसके लग्न ट्वेल्थ और सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठे या मंगल की दृष्टि हो, तो आंख के आसपास सर पे चोट लगती है, स्टिचेस आते हैं, ये सब योग यहां पर जरूर बनता है। अब इस योग के कारण भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन और भी कुछ कारण है जो मैं बताना चाहता हूं। एट्थ हाउस की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर शनि राहु और चंद्रमा विराजमान है। राहु शनि से मैंने कई बार बताया कि श्रापित दोष बनता है और पितृ दोष बनता है, या एट्थ हाउस में स्वग्रही होकर शनि एक तो आपके लिए बड़ा एक राजयोग खोल रहे हैं कि ये तो 19 ही आपके फ्रैक्चर आए, 190 फ्रैक्चर भी अगर आ जाते जो असंभव है, तो भी आपको ये शनि बचा लेते, क्योंकि शनि आयु के कारक ग्रह होकर आयु भाव में विराजमान है। लेकिन इतना बड़ा दोष संकट देने की जरूरत क्या थी, क्योंकि शनि चंद्रमा का विष दोष, चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड, इसलिए ब्रेन में आपके इतने फ्रैक्चर हुए। यहां पर राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है, श्रापित पितृ दोष है, इसका अर्थ ये है कि आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म में कुछ प्रकार के गलत कर्मों की वजह से हम सबको कहीं ना कहीं इसके परिणाम भोगने को मिलते हैं। इस दोष की वजह से आपको ये इतना बड़ा हादसा सहन करना पड़ा, और गुरु केतु के चांडाल दोष की दृष्टि भी एट्थ हाउस पर है। ये सारे एक ऐसे दुर्योग हैं जिन्होंने आपको बहुत बड़ा कष्ट दिया, लेकिन माँ के आशीर्वाद, माँ की कुछ तपस्या से आप बच गए, वरना इस स्थिति के अनुसार तो बहुत बड़ी मुसीबत आपको आ सकती थी, हो सकता था कि पूरा जीवन ही कोमा में निकल जाए। आगे बढ़ते हैं, सभी ग्रहों का केतु से राहु की परिधि माना। देखिए, सेकंड हाउस में जहाँ चार नंबर लिखे हुए हैं, कर्क राशि केतु है, और ये सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य विराजमान हैं, जिस वजह से एक प्रकार का काल सर्प योग है, सांप सीढ़ी का खेल चलेगा जीवन में, जो कि बहुत सारे उतार चढ़ाव, कष्ट, परेशानियां देंगे। अब माता पिता ने पढ़ाई लिखाई की, अच्छी स्कूल एडमिशन दिलवाया, अच्छी कॉलेज दी, सब कुछ दिया, लेकिन बचपन में कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया, समय रहते जन्म कुंडली का विश्लेषण होता था, इस समस्याओं का काफी हद तक बचपन में ही उपाय करके आप इसे खत्म कर सकते थे। वर्तमान में चल रही राहु में बुध की दशा, जो कि 23 अगस्त 2018 तक रहेगी, तब तक इस बच्चे का हल्का फुल्का तकलीफ वाला समय रहेगा, लेकिन शनि की साढ़े साथ ही अभी आपको 26 जनवरी 2017 में शुरू हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को अमेरिका भेज दीजिए, क्योंकि राहु शनि की युति एट्थ हाउस में है। मैंने कई बार कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने के योग बनते हैं, बीमारी, एक्सीडेंट, चोट का भी ये योग देता है, लेकिन हम ये सोच करके बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए हम घर में ही उसको बिठा के रखें, एक्सीडेंट होना होगा तो आपके बाथरूम में बच्चा स्लिप होके भी कोमा में जा सकता है, इसलिए वो सोच रखना बंद कर दीजिए। इन दोषों का समय रहते अगर उपाय होता तो बहुत मजा आ सकता था, बहुत तकलीफ हल कर सकते थे, और साथ में शनि की साढ़े साथ ही जो लगी उसका उपाय भी साढ़े साथ ही लगने से पहले करते तो और भी मजा आ सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। कई बार ऐसे पंडित लोग भी मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि बच्चों की कुंडली 14 साल से पहले नहीं दिखानी चाहिए, 18 साल से पहले नहीं दिखानी चाहिए, ये सिर्फ एक गलत बात है। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले उसकी कुंडली बनवाइए, क्योंकि कुछ ऐसे नक्षत्र या कुछ ऐसे ग्रह दोष में बच्चा पैदा होता है जिसकी शांति सवा महीने में ही हो सकती है, 27 दिन में हो सकती है,
सवा तीन साल की उम्र, सात साल की उम्र तक हो सकती है, 14 से 17 साल की उम्र तक हो सकती है, लेकिन हम लोग वो सब जाग नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन अब आप लोग अगर ये कार्यक्रम देखते हैं तो समय रहते जग जाना चाहिए। कुछ माताजी आपको मैं उपाय बता रहा हूँ जिसे आप अपने बच्चे के लिए तुरंत प्रभाव से कर लीजिए, इससे आपकी समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो आप सर्वेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करिए और उस पर अभिषेक करिए और काल सर्प दोष निवारक पेंडल अमोघ महामृत्युंजय कवच के साथ गले में धारण करवा दीजिए। इससे बच्चा सुरक्षित रहेगा और कष्ट परेशानियों के लिए भोलेनाथ शिव की आराधना करेंगे। इसके शयन कक्ष में एक स्वास्तिक पिरामिड रखिए जहां पर यह सोता है। 7 प्रकार के अनाज एक मुट्ठी में लेकर इनके सिर के ऊपर से 7 बार उबार कर पक्षियों को डाल दीजिए हर गुरुवार को, या महीने में एक आध गुरुवार को जरूर कर लिया करें। तो मेरी नजर में आप इस बच्चे को तुरंत अमेरिका भेजिए, चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए, सुरक्षा हम करेंगे, आप बस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भगवान ने इस बच्चे को अगर जिंदा रखा है तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए है। इसलिए अब यह बच्चा आपके नहीं ईश्वर के हाथों से चल रहा है, इसलिए उन पर विश्वास रखिए और बच्चे को भेजिए, मस्त रहिए। पितरों के ऋण से मुक्त होना असंभव है क्योंकि उनका स्नेह, समर्पण और वात्सल्य अतुलनीय है, और श्राद्ध पक्ष पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व समर्पण प्रकट करने का उचित अवसर होता है। यदि आपके परिवार में कलेश के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में अशांति, अकाल मृत्यु, संतान प्राप्ति में बाधा, असाध्य बीमारी के साथ साथ निरंतर कर्ज जैसी स्थिति बनी रहती है, तो आगामी श्राद्ध पक्ष यानी कि 6 सितंबर से 19 सितंबर तक संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना और प्राप्त करें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे मंत्र सिद्ध पितृ दोष निवारक यंत्र, चांदी निर्मित सर्प सर्पनी, हकीक पत्थर व पित्तेश्वर माला।